अघाड़ी ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद की अपील की है। इस बंद में व्यापारियों की सहमति नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा विदर्भ के विभिन्न बाजारों में जबरन दुकानें बंद करने की संभावना है। जो व्यापारी दुकान बंद नहीं करना चाहते, उन्हें दुकान बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। विदर्भ में 13 लाख दुकानों के संघ नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने इसके लिए प्रशासन और पुलिस से व्यापारियों को संरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद अब कहीं जाकर धीरे धीरे कारोबार में तेजी आ रही है। त्योहार के दिनों में व्यापारियों के लिए अपनी दुकानें एक दिन के लिए बंद भी रखना संभव नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अगर एक दिन के लिए भी बाजार बंद होगा तो ग्राहक ऑनलाइन चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है। आंदोलन के दौरान सभी पार्टियों और संगठनों के कार्यकर्ता बाजार में रैली निकालकर दुकानों को बलपूर्वक बंद कराते हैं। इस दौरान हमेशा से ही टकराव की स्थिति भी निर्माण हो जाती है। मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति इसके समर्थन में अपनी दुकानें बंद करना चाहता है वो खुशी से अपनी दुकानें बंद कर सकता है, लेकिन जो अपनी दुकानें बंद नहीं करना चाहता है मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि उनको वो प्रोटेक्शन दे और किसी भी प्रकार से उनकी दुकानें कोई भी व्यक्ति आकर जबरन तरीके से बंद ना कराए, इसकी ध्यान रखे। आपसे निवेदन है मेरा पुलिस प्रशासन से, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो सरकार रही है, हम व्यापारियों की भी माँ बाप है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हमको नियमित रूप से व्यापार करने की कल भी अनुमति रहेगी। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, PCN न्यूज़ नागपुर।